जेड़ा नशा नशा तेरी अखों विचों आवे मैनू। आज की स्टोरी है टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा की, जो फिलहाल में खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रही हैं। तो ऐश्वर्या के बारे में सारी इंटरेस्टिंग सी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐश्वर्या का जन्म 8 दिसंबर 1992 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। ऐश्वर्या ने खैरागढ़ छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय कथक विशारद की शिक्षा हासिल की, जो कि 6 वर्षीय कोर्स होता है। ऐश्वर्या की फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनके एक भाई है। ऐश्वर्या को बचपन से ही एक्टिंग करने का काफी शौक था। ऐश्वर्या ने अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग 2015 से की। ऐश्वर्या ने कोडेड नाम के शो में पहला डेब्यू किया। उसके बाद सूरपुत करण, संकट मोचन, हनुमान जावाद, सिंधवाद जैसे शो में नजर आईं। और फिर 2017 में ऐश्वर्या मेरी दुर्गा में अमृता के रोल में नजर आईं। फिर ऐश्वर्या ने सन 2020 में स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में, जिसमें इन्होंने पाखी का लीड रोल प्ले किया, जिससे इन्हें एक बड़ी पहचान मिली। तो आइए बात कर लेते हैं ऐश्वर्या के रिलेशन के बारे में। तो ये मैरिड है, इनके हस्बैंड एक्टर नीलकंठ हैं। नीलकंठ और ऐश्वर्या की मुलाकात शो गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुई, और तभी ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और तभी 30 नवंबर 2021 में इन्होंने शादी कर ली। तो कैसी लगी आपको ऐश्वर्या और नीलकंठ की स्टोरी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।